तीसरी बार 8 जून को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उससे पहले अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान समेत दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्षों का बधाई देने का सिलसिला जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खास अंदाज में अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर से मिल रही बधाई। पचास से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स ने बधाई संदेश लिखकर दी शुभकामनाएं। फोन कर पीएम मोदी को दे रहे जीत की बधाई। पीएम मोदी सच्चे तौर पर वैश्विक नेता है और कई मौकों पर उन्होंने लीक से हटकर दुनिया को राह दिखाई है। चाहे वो कोरोना से जंग हो या रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम की पहल या अफ्रीका को वर्ल्ड स्टेज पर उचित स्थान दिलाना, यही वजह है कि जब उनके नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सत्ता में लौट रही है तो पीएम मोदी को दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका से लेकर रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी, इटली, श्रीलंका, नेपाल, भूटान से लेकर अरब देशों से बधाई संदेश मिल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से लेकर दुनिया भर के नेताओं ने पीएम मोदी को बधाई दी है। साथ ही ये भी उम्मीद जताई है कि उनके नए कार्यकाल में हिंदुस्तान के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने आम चुनाव में मिली शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बधाई दी है। बाइडन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर बधाई देते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक चुनाव में करीब 65 करोड़ से ज्यादा वोटर शामिल थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी, जिसके बाद दोनों नेताओं में फोन पर बात हुई। पुतिन ने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी के नए कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। तो ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खुद पीएम मोदी को फोन करके बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है कि भविष्य में भी ब्रिटेन और भारत के बीच बेहद करीबी मित्रता वाला रिश्ता कायम रहेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने प्रिय मित्र को बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर अपने अकाउंट पर सेल्फी पोस्ट करते हुए लिखा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हो गया है, मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी को बधाई। हम साथ मिलकर भारत और फ्रांस को एकजुट करने वाली रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूती देंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट लिखकर प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार जीत के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी को जीत की शानदार बधाई। भारत के पड़ोसी देश चीन के लाल सुल्तान शी जिनपिंग की तरफ से भी आई है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने प्रधानमंत्री मोदी को जीत के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनका देश भविष्य में भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली ने और जमैका के राष्ट्रपति एंड्रयू होलनेस ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार मिली जीत पर बधाई देते हुए मिलकर साथ काम करने की इच्छा जताई है। पीएम मोदी ने मंगलवार को जीत के बाद अपने संबोधन में सबसे पहले लोकतंत्र का जिक्र किया था, साथ ही इसे किसी पार्टी की जीत न बताकर डेमोक्रेसी की जीत बताई थी। अब वैश्विक नेताओं ने भी अपने अपने बधाई संदेश में लोकतंत्र के इस महापर्व का जिक्र किया है। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। दुनिया भर के मुल्कों के दिग्गज नेताओं के बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। उधर 36